हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर थ्योरी ऑफ डिमांड कर चुके हैं, प्राइस इलास्टिसिटी कर चुके हैं, यूटिलिटी एनालिसिस कर चुके हैं, इंडिफरेंस कर्व जो है उसको कर चुके हैं। और पहले भी मैंने क्या है कि जो इकोनॉमिक्स के अंदर कंसेप्ट सीए और सीएस फाउंडेशन की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको काफ़ी सारे जो इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। तो आज मैंने इन्हीं टॉपिक को कवर करते हुए जो है एमसीक्यू तैयार किया है। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक्स का जो एमसीक्यू है, देखो ये सारे काफ़ी सारी क्लासेस के लिए जो है सूटेबल है, जैसे नेट इकोनॉमिक्स, नेट मैनेजमेंट, नेट कॉमर्स, सीए और सीएस फाउंडेशन के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एमसीक्यू के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डैट इज़ द प्राइस इलास्टिसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ ए लीनियर डिमांड कर्व, आइदर इट इज़ 1, 0, -1, ∞। तो आप लोग सोचो, फिर उसके बाद मैं आपको राइट आंसर जो है बताती हूँ। देखो जो राइट आंसर है डैट इज़ 1, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी जो है, देखो जब हम लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर मेयर करते हैं और ये मिड पॉइंट है, क्योंकि जो इसका फार्मूला होता है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, तो ये मिड पॉइंट में है, तो जितना लोअर सेगमेंट है उतना ही अपर सेगमेंट होगा। तो इसलिए क्या है कि राइट आंसर जो है डैट इज़ दी 1। और उसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, गिवन गुड्स, गुड्स ऑफ स्पेशल डिस्टिंक्शन, इन्फीरियर गुड्स, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तो राइट आंसर जो है डैट इज़ द इन्फीरियर गुड्स, क्योंकि देखो लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम, अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और अगर प्राइस फॉल करती है तो डिमांड जो है एक्सटेंड हो जाती है। और उसके अंदर जो कुछ एक्सेप्शन थी, एक्सेप्शन का अर्थ है कि जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड की जो स्लोप होती है वो नेगेटिव नहीं होती, वो पॉजिटिव होती है। गिवन गुड्स के अंदर क्या होता है कि जो स्लोप है वो पॉजिटिव होती है, स्पेशल डिस्टिंक्शन के अंदर भी लॉ ऑफ डिमांड जो है नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। इन्फीरियर गुड जो है वो इसकी एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि इन्फीरियर गुड्स के अंदर जो स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व होती है नेगेटिव होती है, इवन डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के अंदर भी जो स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व होती है पॉजिटिव होती है। स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व पॉजिटिव का अर्थ होता है कि अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है, अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए गिवन गुड इज़ नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए गिवन गुड इज पॉजिटिव। बेसिकली क्योंकि हमें पता है कि जो गिवन गुड है, क्योंकि इसका जो प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव होता है, जब प्राइस इंक्रीज होती है तो गिवन गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाती है, और जब गिवन गुड्स की प्राइस फॉल करती है तो गिवन गुड्स की डिमांड भी जो है फॉल कर जाती है। तो यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी है जो गिवन गुड की है वो पॉजिटिव है। और उसी तरह हम देखते हैं कि मैच द फॉलोइंग, चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर व्हेन प्राइस इज़ फॉलिंग विद द वैल्यू ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमारा प्राइस फॉल होती है, अगर टोटल एक्सपेंडिचर राइज होता है, और अगर टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है, या अगर टोटल एक्सपेंडिचर जो है फॉल करता है, तो वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होती है, क्या वो 1 के बराबर होती है, क्या वो मोर देन 1 होती है, क्या वो लेस देन 1 होती है। तो राइट आंसर जो है, देखो यहाँ पे क्या है कि अगर प्राइस फॉल करती है और टोटल एक्सपेंडिचर जो है राइज करता है, ये आपने याद रखना है कि जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होती है। जब प्राइस फॉल करती है टोटल एक्सपेंडिचर राइज करता है, और जब प्राइस राइज होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर फॉल करता है। तो उस वक्त जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है, डैट इज़ मोर देन 1। और उसी तरह क्या है कि अगर प्राइस फॉल होने से भी टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है, तो वहाँ पर इलास्टिसिटी जो है डैट इज़ इक्वल टू 1। और उसी तरह क्या है कि अगर प्राइस फॉल करती है और टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल करता है, अगर डायरेक्शन सेम है, टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल करता है, अगर प्राइस राइज होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर राइज करता है, तो वहां पे जो इलास्टिसिटी होती है डैट इज लेस देन 1।
और उसी तरह यहाँ पे देखते हैं कि कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड एज ए रिजल्ट ऑफ 10% इन फॉल इफ़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज -2.5। तो आंसर क्या है? -25 है, 12.5% है, 25% है या 50% है? तो यहाँ पे हम आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका जो फार्मूला है, क्योंकि हमें पता है जो प्राइस इलास्टिसिटी हमें दे रखी है -2.5 दे रखी है, और जो फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और जो प्राइस फॉल करती है तो इसका अर्थ है कि प्राइस पहले से कम है, तो यहाँ पे ये -10 है। तो नेचुरली जब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या हो जाएगा, 2.5 × 100/10, तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 25%। तो यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है डेट इज़ 25%। और उसी तरह हम देखते हैं कि जब प्राइस जो है राइज करती है और प्राइस इलास्टिसिटी जो है डेट इज़ मोर देन 1, अगर प्राइस राइज होती है और प्राइस इलास्टिसिटी जो है डेट इज़ मोर देन 1, तो टोटल एक्सपेंडिचर फॉल करता है, राइज करता है, रिमेन द सेम एंड नन ऑफ द अबव। तो अभी अभी मैंने आपको बताया भी था कि जब प्राइस के अंदर जो चेंजेस आती हैं और टोटल एक्सपेंडिचर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो वहाँ पे जो है बेसिकली जैसे प्राइस राइज होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर फॉल होता है, तो प्राइस इलास्टिसिटी जो है मोर देन 1 है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है, इज़ इट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, इट इज़ इंक्लाइन 45 degrees टू एक्स एक्सिस और नन ऑफ द अबव। देखो जब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है तो इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसकी शेप जो होती है बिल्कुल इस तरह से होती है और यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन्फिनिटी होती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फैक्टर डिटर्मिनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी। हायर द पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन गुड्स, हायर इज लाइकली टू बी द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मोर द नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट ऑफ ए गुड, मोर इलास्टिक इज द डिमांड फॉर द गुड। लेस द नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट ऑफ ए गुड, मोर इलास्टिक इज द डिमांड ऑफ दैट गुड। लॉन्गर द टाइम पीरियड, मोर द इलास्टिक इज डिमांड। सो द राइट आंसर इज बेसिकली क्या है कि देखो अगर हायर द पोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंट ऑन गुड, हायर इज लाइकली टू द प्राइस इलास्टिसिटी, क्योंकि नेचुरली अगर प्राइस फॉल होगी तो हम ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, और जितना सब्सिट्यूट होता है उतनी उसकी मोर इलास्टिसिटी होती है, जितना लॉन्गर ड्यूरेशन होता है वहाँ पर उतनी मोर इलास्टिसिटी होती है, और जितने सब्सिट्यूट कम होते हैं तो वहाँ पर वो मोर इलास्टिसिटी नहीं होती, बेसिकली लेस इलास्टिसिटी होती है। और उसी तरह ऑल पॉइंट्स ऑफ द बजट प्राइस लाइन, देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे ये हमारे पास क्या है कि बजट लाइन है, यहाँ पे है ये बजट लाइन है, तो यहाँ पे ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है, तो उसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग द टोटल एक्सपेंडिचर, डिक्रीजिंग द टोटल एक्सपेंडिचर, सेम टोटल एक्सपेंडिचर, नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज द सेम टोटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि हमारी मान लो जैसे इनकम 4 है, उसके अंदर हम ए बी के कॉम्बिनेशन लेने हैं, तो चाहे हम ये कॉम्बिनेशन लें चाहे हम बी कॉम्बिनेशन लें, तो हमारा एक्सपेंडिचर जो है 4 rupees ही रहना है, क्योंकि हमारी बजट जो है 4 rupees है। और उसी तरह एक कंज्यूमर इज़ प्रिपेयर टू पे ए लोअर प्राइस फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी बिकॉज ऑफ द लोअर यूटिलिटी ऑफ द एडिशनल यूनिट, कि यहाँ पे एक व्यक्ति जो है जब वो एक और यूनिट परचेज करता है तो उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ही इज़ रेडी टू पे द लोअर प्राइस। तो इसका अर्थ क्या है कि यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ 0, यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कॉन्स्टेंट, यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ डिक्रीजिंग, यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ इंक्रीजिंग। सो द राइट आंसर इज़ द यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कॉन्स्टेंट, क्योंकि जब हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे हमारी अजम्पशन होती है कि यूटिलिटी ऑफ मनी जो है डैट इज़ कॉन्स्टेंट, जैसे जैसे किसी चीज़ को हम ज़्यादा कंज्यूम करते जाएंगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है कम होती जाएगी, और जिसकी वजह से ही इज़ रेडी टू पे द लोअर प्राइस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ऑल आर ट्रू, सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू, नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज सेकेंड एंड थर्ड जो है, इंडिफरेंस कर्व देखो लेफ्ट से राइट की तरफ आता है, इसकी स्लोप जो होती है नेगेटिव होती है और इसकी जो शेप होती है कन्वेक्स होती है, और दो इंडिफरेंस कर्व जो है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते,
और कनकेविटी ऑफ ए डिफरेंस का, देखो जो कन्वेक्स होता है उसकी शेप इस तरह से होती है, उसकी शेप जो है इस तरह से होती है, ये कन्वेक्स है, कनकेव का अर्थ होता है इस तरह से। तो कनकेविटी ऑफ ए डिफरेंस कर्व मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी विल इंक्रीज व्हेन कंज्यूमर हैज़ मोर यूनिट ऑफ इट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कंज्यूमर विल बी कॉन्स्टेंट व्हेन कंज्यूमर इंक्रीजेज हिज कंजम्पशन। मार्जिनल यूटिलिटी शोज द नो रिलेशनशिप विद द कंजम्पशन लेवल। तो इसका अर्थ है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी विल इंक्रीज व्हेन कंज्यूमर हैज़ मोर यूनिट्स ऑफ इट। बेसिकली क्या होता है कि कन्वेक्सिटी इस वजह से होती है क्योंकि जैसे जैसे हम ज़्यादा यूनिट्स को, जैसे जैसे हम दूसरी कमोडिटी का यूनिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो जो जिस कमोडिटी को हम सेक्रीफाइस करें उसके कम यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हैं। बट कनकेविटी के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे हम वाई की जगह पे एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पहले से वाई के ज़्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी विल इंक्रीज जब कंज्यूमर हैज़ मोर यूनिट ऑफ इट। जब एक्स के ज़्यादा यूनिट्स वो लेगा तो नेचुरली उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। तो दिस इज़ द राइट आंसर। और रियल इनकम इफेक्ट लीड्स टू मूवमेंट टू ए लोअर इंडिफरेंस कर्व, मूवमेंट टू हायर इंडिफरेंस कर्व, नो चेंज इन द इंडिफरेंस कर्व, चेंज इन द पोजीशन ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। तो देखो यहाँ पे जो राइट आंसर है, क्योंकि जब रियल इनकम का अर्थ होता है हमारी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है तो हम हायर इंडिफरेंस कर्व पे चले जाते हैं क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ें जो है परचेज कर सकते हैं। और उसी तरह चेंज इन द कंजम्पशन ऑफ ए टू कमोडिटी एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन द रिलेटिव प्राइसेस द टोटल यूटिलिटी रिमेनिंग द सेम। तो उसको हम प्राइस इफेक्ट कहते हैं, इनकम इफेक्ट कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं, डिमांड इफेक्ट कहते हैं। तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं क्योंकि हम सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहते हैं तो वहाँ पे नेचुरली प्राइसेस की वजह से क्या होता है कि कंजम्पशन चेंज होती है, तो डैट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट।